बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जनाब आप सब लोगों के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना, वो आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है और इसको मिस नहीं करना, क्योंकि एंड पे मैं आपके साथ बड़ी मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक दिन पहले की वीडियो है, मैं बना रही हूँ जनाब यहाँ पर नाश्ता। तो ये सैटरडे है, तो सैटरडे को आपको पता टाइम होता है थोड़ा सा, तो मैं सुबह जो है ना वो ऑमलेट बनाती होती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और ये बहुत ही मज़े का मेरा ऑमलेट बना था। देन जो है ना वो मैंने ये सर्व किया इस तरह से, और उसके बाद बच्चों ने जो है ना ये पर्स को खाना डालना था, तो ये बच्चे जो है ना पर्स को खाना डाल रहे हैं जी। फिर मैंने टेबल वगैरह साफ़ किया, क्योंकि टेबल जो है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो हम अपने रूम में ही खाना खा लेते हैं समटाइम, या नाश्ता भी कर लेते हैं। तो बस ये मैं टेबल को जो है वो थोड़ा सा साफ़ करूँगी, और इसको जो है ना वो साफ़ करने के लिए मैं वाइप्स यूज़ करूँगी, क्योंकि वाइप्स से बहुत अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो जाता है। तो फिर जी हो गया था दोपहर का टाइम, और दोपहर को ये देखिए मोटे मोटे खीरे जो है ना मेरे हस्बैंड ने काटे थे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सालन गरम। तो एक दिन पहले मैंने बनाया था आलू गोश्त, और यहाँ पर मैं आलू गोश्त को गर्म करूँगी। और ये देखिए मेरा हाउस हेल्पर है, ये बर्तन धो रहा है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं बस हम खाना खाएँगे। और खाना खाने के बाद जो है ना शाम को मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर पुडिंग बनाई थी, और ये बड़ी अच्छी पुडिंग बनी थी। शक्ल इसकी भी इतनी अच्छी नहीं थी, वजह कि मैं इसे अच्छे बन के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना बड़ी एक्साइटेड है पुडिंग खाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे था संडे, तो मैंने जाना था अपना लाइसेंस बनवाने। तो जी मैं चली गई यूनिवर्सिटी मार्केट लाहौर, और यहाँ पे मौसम जो है ना वो इतना अच्छा हुआ हुआ था ना माशाल्लाह से, तो बस अंदर जो है वो मैं गई हूँ और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी की, और उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं पास हो गई। और इसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा लिबर्टी मार्केट चले जाते हैं। तो लिबर्टी मार्केट खैर संडे को जो है ना उसकी हालात है, यहाँ पर जो है ना ये नीचे सड़क के ऊपर ये चीज़ें जो है ना वो लगी हुई थी, और बाकी स्टॉल्स वगैरह नहीं लगे हुए थे, कुछ दुकानें खुली थी कुछ बंद थी। तो ये फ्रॉक्स जो थे ये भी मेरे ख्याल में 13 to 15,000 की रेंज में फ़्रॉक्स थे, तो इनमें से जो वाइट वाला था वो मुझे अच्छा लगा था। और उसके बाद ये फिर मैंने देखी, ये नेट बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, तो ये मेरे ख्याल में 1500 पर यार्ड के हिसाब से दे रहा था, मुझे अब से याद नहीं है, इस तरह से दे रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इस ये ज़रूर लूँगी, लेकिन आज नहीं फिर किसी दिन। अच्छा जी, फिर टेस्ट देने के बाद जो है हमें लगी भूख, और हम जो है ना वो यहाँ पर आ गए थे हाफिज़ के गोलगप्पे होते हैं और चना चाट होते हैं, तो हमने यहाँ से गोलगप्पे और चना चाट खाए, और बच्चों ने जूस वगैरह पिया। फिर हम लोग बटी मार्केट जो बाकी रह गई थी उसको विज़िट करने चले गए, और इधर जो है ना ये स्टॉल लगा हुआ था एक बाहर, और यहाँ पे ये जो स्टॉल में जो सूट है ना वो 1500-1500 के हैं, तो कोई भी आप ये नहीं, 2 PC सूट हैं स्टिच्ड हैं, और ये 1500 का जो है ना वो यहाँ से मिल जाता है। अच्छा पता है, मैंने जो है ना वो बैग लेना था एक्चुअली अपने लिए, तो वो शॉप्स वगैरह बंद थी, तो ये आप देख रहे हैं कि शॉप्स वगैरह सारी बंद हैं, और इस वजह से फिर मैंने स्टॉल जो है से ये चीज़ें देखनी शुरू कर दी। तो ये शर्ट्स भी हैं इनकी मेरे हाल में 1000 प्राइस थी, उसके बाद ये जूते लगे हुए थे डिफरेंट शॉप से मेरे हाल में मेट्रो थी, और उसके बाद जो ज्वेलरी वगैरह मैंने देखी, और फिर हम आ गए वापस पार्किंग में। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है ना वो अपने खुद सा भी लेना है, तो इधर से फिर मैं गई हूँ, ये दुपट्टा गली में ये शॉप है, और यहाँ से जो है ना ये मैंने येलो वाला कुर्ता लिया। तो बस फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या मैंने किया। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने ये बना लिए हैं बाल, और आज मैं आपको शो करूँगी कि मैंने अंडर 2500 जो है ना वो क्या परचेज़ किया था, और क्या उसका रिव्यू भी दूँगी ज़रूर। तो जी, ये मैंने बेटी मार्केट से एक ड्रेस परचेज़ किया था, आपने देखा होगा स्टॉल्स पे लगे हुए थे, तो ये मुझे काफ़ी इसका प्रिंट अच्छा लगा था, और सेकेंडली इसकी स्टिचिंग भी हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ। तो ये ड्रेस मुझे मिल गया था जी 1500 का, तो अगर आपने कैजुअली कहीं जाना हो, छोटा मोटा फंक्शन भी हो, तो उस पर भी आप ये पहन सकते हैं। सेकेंडली मैंने ये जूते लिए थे, और ये मैंने बिल्कुल एंड पे लिए थे, और ये मैंने लिए थे 900 के। और बस यहाँ पे अब मैंने बना लिया अपने बाल, काफ़ी देर पहले बनाए थे जो कि अब थोड़ा सा ख़राब हो गए हैं, तो ये ड्रेस जो है मैंने चेंज कर लिया है। अब जो है ना मैं क्या करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तैयार हो के फिर मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर रही हूँ, क्रीम लगाऊँगी, और ये मैं शिमर लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना बाकी मेकअप वगैरह करूँगी,
और देन ये मैंने साथ ले लिया दुपट्टा। अच्छा, ये दुपट्टा भी लिबर्टी मार्केट से मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने पहले का लिया हुआ था इसलिए इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। तो ये मैंने पहले जब लिया था ये मुझे 300 में मेरे हाल में, कि 400 में, कि 600 में, मुझे अब से याद नहीं मिल गया था। तो ये देखें जी, ड्रेस की लुक इस तरह की आ रही है। तो ये जो लड़कियाँ या बच्चियाँ जो हैं वो थोड़ी यंग हैं, तो वो उनके लिए तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी फिटिंग जो है ना वो ज़्यादा है। तो मैं थोड़े से लूज़ पहनती हूँ, लेकिन ये फिर भी अच्छा है। अगर आपको इस तरह की फिटिंग पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो जी, मैंने 2400 का, कि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, और अगर आपने अर्जेंट किसी फंक्शन में जाना है तो आप ले सकते हैं। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।